Hello everyone, welcome to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. Subject code is KEC201T and here we are in lecture number 16 of unit number 1. So, in the previous lecture we have discussed tunnel diode. What is tunnel diode? What is the working of tunnel diode? And how the working depends on the action that is called tunneling effect. Now, on the similar way, hum is lecture baat karne wale hain, the next special diode, this is called vector diode. What is the working of vector diode? What is the concept? Aur is vector diode mein aap ek important cheez padhenge, that is called depletion capacitance. To kya hai depletion capacitance? Chaliye apna lecture start karte hain, janne ke liye on vector diode. So, vector diode. Vector diode is a PN junction diode which acts as a variable capacitor under reverse bias condition is known as vector diode. Ji haan, ek PN junction diode jo ki jab reverse bias condition mein hota hai to it will act as a variable capacitor. Us time pe hum PN junction diode ko bol rahe hain vector diode. It is also known as varicap, volt cap or tuning diode by which you can increase or decrease the capacitance of the diode. Right? तो अब किस तरह से वैरेक्टर डायोड में कैपेसिटर वैरी करता है, कैसे ये सब ऑपरेशन होता है, इसको समझने के लिए चलिए डिस्कस करते हैं ऑपरेशन एंड सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड. सो इफ यू रिमेम्बर, यहां मैंने सेम अपना पी जंक्शन डायोड लिया है जिसमें जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ अटैच करते हैं तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर. राइट, सो डिप्लीशन लेयर में हमने देखा था कि होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन हो गए, इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन हो गए, डिफ्यूज हो गए. देन उसके बाद जो जंक्शन साइड पे होता है, देयर इज अ नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द पी साइड एंड देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द एन साइड. तो बेसिकली ये जो दो प्लेट्स हैं, ये जो दो एरियाज हैं कि पी टाइप जो हमारी है, इस पी टाइप पे एक प्लेट फॉर्म हो रही है, एन टाइप को एक प्लेट फॉर्म हो रही है जहां पे इस पे नेगेटिव वैल्यू है और यहां पे इस पे पॉजिटिव वैल्यू है. सो डायोड कैसे कंसिडर किया जाता है? दैट्स अ डायोड मे बी कंसिडर एज कैपेसिटर विद पी रीजन एंड एन रीजन फॉर्मिंग अपोजिटिवली चार्ज प्लेट. राइट, और अगर हम अपने डायोड को रिवर्स बास में ऑपरेट कराते हैं तो हमने पढ़ा था कि रिवर्स बास के अंदर ये डिप्लीशन लेयर कभी भी खत्म नहीं हो सकती. राइट, डिप्लीशन लेयर की विथ कम एंड ज्यादा हो सकती है, आप डिप्लीशन लेयर की विथ को वेरी करवा सकते हैं एज पर द अप्लाइड वोल्टेज, बट डिप्लीशन लेयर कभी खत्म नहीं होगी ड्यूरिंग द रिवर्स बास कंडीशन, सो दैट ये कैपेसिटेंस ऑलवेज बना रहेगा. इसलिए वैरेक्टर डायोड में बोला गया है कि इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बास कंडीशन विच एक्ट एज अ वेरिएबल कैपेसिटर. सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ योर वैरेक्टर डायोड. किस तरह से यहां पे कैपेसिटर जो डिप्लीशन लेयर बनी है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही जो डिप्लीशन लेयर बनी है अंडर रिवर्स बास कंडीशन, हम उसी डिप्लीशन लेयर को यहां पे क्या बोल रहे हैं, इट वर्क्स एज अ कैपेसिटर. राइट, अब अगर ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज सी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी. राइट, कई जगह हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, दिस इज बेसिकली अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज. तो पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटी होती है दैट इज डिफाइंड बाय द कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ए बाय डी. तो यहां पे सेम फॉर्मूला यूज किया गया है, इस यहां पे कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट किया गया सी टी. तो दिस सी टी इज कॉल्ड बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ द जंक्शन और इसी जंक्शन कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं depletion region capacitance. Right? Epsilon is called the permittivity. तो अगर आपको याद हो permittivity आपने basics में पढ़ा होगा कि permittivity of semiconductor material is defined as epsilon naught epsilon r. जी हाँ, epsilon naught क्या होता है? Free space permittivity होती है और epsilon r जो होता है वो dielectric constant होता है, dielectric constant या relative permittivity भी बोलते हैं. राइट, सो दिस एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस परमिटिविटी 8.85 इनटू 10 टू पावर माइनस 12 और एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिपेंड करती है डायलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है. अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है. सो यहां पे डायलेक्ट्रिक कौन है? यहां पे डायलेक्ट्रिक इसके बीच में जो आपका डिप्लीशन रीजन बना है, ये जो आप कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं और जो डिप्लीशन लेयर इसके बीच में है, दैट विद डिप्लीशन लेयर बिटवीन देम एक्ट एज अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल. राइट, नेक्स्ट इन द फॉर्मुला सेज कैपिटल ए. सो व्हाट इज दिस ए? ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जंक्शन. ये जहां पे आपका कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ है, इस पर्टिकुलर डिप्लीशन लेयर का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ए. एंड डब्ल्यू डी इज द विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, कि इसकी विथ हमने कितनी सेट करी है, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन ए बाय डी. यहां पे डब्ल्यू डी रिप्रेजेंट की गई है विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर. तो अब अगर हम यहां पे बोलें कि आपकी विथ, अब अगर आपकी विथ इंक्रीज कर रही है, इफ डब्ल्यू डी इज इंक्रीजिंग देन व्हाट, देन सी टी विल डिक्रीजिंग. राइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और अगर हम कहते हैं WD decreasing यानी आपकी depletion layer की width कम हो रही है, तो हम उसमें बोलेंगे कि CT जो है वो हमारा increase करेगा.
राइट. सो दैट मींस अब ये विथ किस पे डिपेंड करती है, विथ तो डिपेंड करती है रिवर्स वोल्टेज पे. तो अगर हमने पढ़ा था रिवर्स वोल्टेज आप इंक्रीज करो, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब विथ इंक्रीज करेगी, यानी रिवर्स वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करेंगे विथ इंक्रीज करेगी. और रिवर्स वोल्टेज भी कैसी, इफ यू अप्लाइंग मोर नेगेटिव वोल्टेज, राइट. अगर मैं मोर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं दैट मींस विथ इंक्रीज कर रही है, कैपेसिटेंस डिक्रीज करता जाएगा. सो अगर हम यहां पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली, जहां पे आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हो, मोर नेगेटिव लगाते जा रहे हो, सो आपका कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है. एंड इफ यू आर गोइंग टू द पॉजिटिव साइड, अगर आप अपनी वोल्टेज को जीरो लगा देते हैं, तो जीरो वोल्टेज पे डिप्लीशन लेयर जो होती है वो डिप्लीशन लेयर सबसे नैरो होती है अंडर रिवर्स बास कंडीशन, क्योंकि आफ्टर दैट अगर आप फॉरवर्ड बास में चले जाएंगे, जीरो से ज्यादा वोल्टेज होगी, फॉरवर्ड बास हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे आपकी हो जाती है कि डिप्लीशन लेयर और कम होने वाली है, विद उसकी और कम होने वाली है. तो इसलिए यहां पे रिवर्स बास कंडीशन के लिए मैं बोल रहा हूं कि रिवर्स बास कंडीशन पे अगर आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते करते जीरो तक ले जाते हैं, दैट मींस यू आर एट द पॉइंट ऑफ फॉरवर्ड बास, उस टाइम पे जो विथ होगी दैट इज द मिनिमम विद रेफरेंस टू द रिवर्स बासिंग वोल्टेज, राइट. सो एट दैट टाइम जब आपकी विथ सबसे मिनिमम हो गई, तो इस पॉइंट पे कैपेसिटेंस सबसे हायर होगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कैपेसिटेंस पॉइंट. तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है एज पर योर वेरेक्टर डायोड, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन एंड द डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस ऑफ द वेरेक्टर डायोड. लास्ट ईयर पेपर पे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी लास्ट सेमेस्टर में, तो उस पे क्वेश्चन यही आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरेक्टर डायोड. तो जस्ट डिफाइन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरेक्टर डायोड, कि वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है और वेरिएबल कैपेसिटर किस तरह से कैपेसिटी वेरी करती है, वो आप इस एक्सप्रेशन से शो कर सकते हैं, राइट. सो वेक्टर डायोड में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एलसीडी, जी हां, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस के बारे में बात करेंगे. सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू.